निखिल कंप्यूटर जबलपुर आप सभी का स्वागत करता है। और आज का वीडियो जो हम लेके आए हैं वो हम अपने एमपी ऑनलाइन मित्रों के लिए लेके आए हैं। हमारे एमपी ऑनलाइन मित्र जब भी कोई एमपी ऑनलाइन का फॉर्म भरते हैं तो एमपी ऑनलाइन का फॉर्म भरने के बाद उनको कई बार समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो आप एमपी ऑनलाइन में किस तरीके से शिकायत दर्ज करेंगे उसी को लेकर हम ये वीडियो लाए हैं। पूर्व में बहुत से लोगों को एमपी ऑनलाइन में फॉर्म को लेके इशू आता है तो आप शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। तो उस शिकायत को दर्ज करने का तरीका आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो हमारे जितने भी एमपी ऑनलाइन मित्र हैं और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अपने अन्य एमपी ऑनलाइन मित्रों को भी हमारे चैनल से जुड़वाइए ताकि उन तक भी जानकारी पहुँच सके। और साथ ही साथ बेल नोटिफाई बटन पर भी क्लिक करिए। तो आप देख सकते हैं हमने एमपी ऑनलाइन खोल लिया है। एमपी ऑनलाइन में खोलने के बाद हम यहाँ लॉगिन सेक्शन पर जाएंगे। लॉगिन पर जाने के बाद हम अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन हो जाएंगे। तो चलिए हम अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन हो जाते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। इसके बाद हम सबमिट करें पर क्लिक करेंगे। जी, हमारी एमपी ऑनलाइन आईडी लॉगिन हो चुकी है। इसके बाद हमको इधर पे शिकायतें वाले ऑप्शन पे जाना है। तो चलिए हम शिकायतें पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम शिकायतें पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये देखिए आप पूरी डिटेल आ चुकी है, ये देख सकते हैं। और इसके बाद हमको यहाँ नवीन शिकायत दर्ज करें पर क्लिक करना। और अगर आपकी ये डिटेल नहीं आ रही है तो आप मेरी प्रोफाइल में जाके प्रोफाइल बना लीजिए, उसके बाद आप शिकायत दर्ज करिएगा। तो चलिए हम यहाँ से नवीन शिकायत दर्ज करें पर क्लिक करते हैं। नवीन शिकायत दर्ज करने के बाद आपसे पूछेगा क्या नागरिक या क्योस्क हैं। तो हम क्योस्क हैं तो हम क्योस्क पर क्लिक कर देंगे। क्योस पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी यहाँ पे क्योस का आईडी डालना है। तो चलिए हम अपनी क्योस का आईडी डाल देते हैं। इसके बाद आपकी सेवा श्रेणी कि आपको किस सर्विस के लिए शिकायत दर्ज करना है। तो जैसे पूर्व में आप सभी को सीपीसीटी को लेकर समस्या आई थी, सीपीसीटी की पेमेंट नहीं आ रही थी, तो हमने सीपीसीटी की शिकायत दर्ज की थी इनके पोर्टल में और 3 से 4 दिन के अंदर इनका पोर्टल सही हो गया था। तो ये देखिए सीपीसीटी रजिस्ट्रेशन पेमेंट, इस पे जाएंगे, फिर आप इधर पे सीपीसीटी रजिस्ट्रेशन पेमेंट, फिर कंप्लेन टाइम पे यहाँ पे हमने टेक्निकल सेलेक्ट किया था। उसके बाद हमने इसको हिंदी में टाइप किया था। तो हम हिंदी में किस तरीके से टाइप किए थे वो आपको हम बता देते हैं। साइड में आपको गूगल इनपुट हिंदी टूल्स खोल लेना है। यहाँ जो शिकायत का विवरण है ये आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो हम हिंदी में साइड पर टाइप करके लिख लेते हैं। जैसे हमको सीपीसीटी में परेशानी आ रही थी, उसमें रूट एलिमेंट मिसिंग आ रहा था, तो हम उसको किस तरीके से दर्ज किए थे वो आपको हम बता देते हैं। जो भी आपकी शिकायत है आपको इस तरीके से टाइप कर लेना है और इसके बाद इसको कंट्रोल ए और फिर कंट्रोल सी करके यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको आपकी जो भी पेमेंट है उसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना और स्क्रीनशॉट को यहाँ पे अटैच कर देना। स्क्रीनशॉट आप जेपीईजी और पीडीएफ या किसी भी साइट में अटैच कर सकते हैं। उसके बाद कैप्चा, कैप्चा डालने के बाद आपको सबमिट करना है। आयुष्मान कार्ड बन जाएगा?
तो इस तरीके से एमपी ऑनलाइन के किसी भी फॉर्म में आपको यदि परेशानी आती है तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आप प्रक्रियाधीन शिकायत में आपकी शिकायत दिख जाएगी और यदि उसका निवारण हो जाएगा तो यहाँ प्रक्रियाधीन शिकायतों में आपका दिख जाएगा। प्रक्रियाधीन शिकायत में आपको प्रोसेस दिखेगी और निराकृत शिकायत में आपको जब आपकी शिकायत कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे दिखेगी। तो इस तरीके से आप हमारे जितने भी एमपी ऑनलाइन मित्र हैं वो सभी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। धन्यवाद।